वापस लाओ। के विकास के साथ समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। के विकास के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको लगता है कि समेश भैया यहाँ पर ईमानदार कर्मचारियों को, बहुत ईमानदार कर्मचारियों को की तबादला कर दे और भारत की सुरक्षा और पुलिस देखिए बच्चा जानती है संतोष कुमार सिंह जी के बारे में कि ये क्या है और क्या कर रहे हैं। इनके आगे इन लोगों की दाल नहीं गल रही है, इन लोग अपना बेईमानी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते रक्सौल अनुमंडल के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी को नगर परिषद कार्यालय पदाधिकारी का पदभार दिया जा रहा है, ताकि ये लोग अपने मनमानी रवैये से ढंग से उनसे अपना लूट खसोट कर सके। इन लोगों के ये मनमानी रवैया संतोष कुमार सिंह जी के पास नहीं चलता है, जिसके कारण आनन फानन में मुश्किल से एक महीना के अंदर में इनका प्रभार ले लिया गया, जो बहुत शर्मनाक है। ये जांच की विषय है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनकी प्रभार को वापस नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल चरणबद्ध आंदोलन करेगा। आज मैं आपके सामने घोषणा कर देता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का कल हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जो पूरे शहर के लोग से उस पे किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शहर होने के बावजूद भी आप यहाँ पर कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, पिछले 20 वर्षों से इन बेईमानों की राज है। इनके बीच में एक ईमानदार आ गया, जिसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं रक्सौल का विकास हो, जिस कारण इनको तबादला आनंद फानन इनसे पदभार ले लिया गया। क्या लगता है कि आप लोगों का मांग पूरा किया जाएगा? नहीं, मांग पूरा किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए बात है और आंदोलन तो हम लोग का परम सिद्ध अधिकार है, उसके लिए हमारे व्यूअर्स कुछ पूछना चाहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो जो एक बार कह देते हैं वो दोबारा वापस नहीं होता है, उनको तो वापस करना होगा। मोदी जी ज्ञान बहादुर है, वे बात के अलावा कुछ नहीं करते हैं। आज तक पूरा हिंदुस्तान उनसे परेशान है। चुनाव आने दीजिए, बच्चा बताएगा कि मोदी है तो मुमकिन है कि नामुमकिन है। जिस तरह एक ईमानदार अधिकारी का किया गया, मेरा भी चाह रही है कि जो देख रक्सौल, देखिए कि रक्सौल जो है इंटरनेशनल जगह है, यहाँ पर अच्छे लोगों को जो जनप्रतिनिधि है, माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि रक्सौल का विकास हो। रक्सौल के साथ जनप्रतिनिधि बार बार धोखा करते हैं, रक्सौल के जनता उन पर बार बार भरोसा करता है। अच्छे लोगों की रक्सौल में लोग रहने नहीं दे रहे हैं, कैसे विकास होगा? संतोष कुमार को हम लोग मांग करते हैं कि पुनः उनको वापसी कराया जाए और पुनः रक्सौल को उनको जिम्मेदारी